अस्सलाम वालेकुम वीरो वीरनियो, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। चलें आज मेरे साथ ना यूके की लाइफ देखते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत शौक है ना बाहर आने का, वो जरा देख लें कितना टुरना पैंदा। चल चल के ना बंदे की मत बच जाती है। लेकिन अच्छा, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा ना वॉकिंग का कॉन्सेप्ट, और दूसरा घरों के बाहर ना मतलब कोई भी जो चीज़ जो लोग जो यूज़ नहीं ना करते चुप के बाहर सुट देन। चलो जी, हमारे वाला तो हाल थोड़ी है कि स्टोर बना लिए और बस जी। कमरे में एक छोटा सा स्टोर है, ठीक है, कबर्ड के ऊपर स्टोर है। ये देखेंगे डेकोरेशन कितनी प्यारी की हुई है, जो जानते कुत्ते बिल्लियाँ रखी हुई अच्छा खैर, अगर ये चीज़ें मेरी घर में होना तो मेरी अम्मी पता क्या कहें, अब बाहर कर देना ना, इतने फरिश्ते नहीं आएंगे। उनके उन्हें क्या लगे फरिश्ते आएंगे नहीं आएंगे, वो आप अपने आप फरिश्ता समझें। खैर अच्छा, बहुत हो गया मजाक, चलें जी अब देखते हैं। ये जी स्ट्रीट है। अच्छा, इस वीडियो के बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मेरी सिस्टर जो है वो इंग्लैंड रहती है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे ना थोड़ा सा वहाँ का लाइफ स्टाइल और इंटीरियर वगैरह दिखाना ना, तो उसने मैंने कहा मतलब उसने मुझे कहा, उसने कहा चलो आप ही अब तुम देखो। अच्छा, यहाँ पे ना बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने ना ये वॉल क्लॉक्स और डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ना, बास्केट, फ्लावर बास्केट वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इन्होंने मेन डोर पे लटकाई हुई हैं। अच्छा, अगर पहले तो हम सोच लेना इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के बारे में, तो यकीन जाने गली के ना बच्चे ही मान नहीं करेंगे, और वो दूसरा दिन उठा के ले जाएंगे, और कोई मानेगा भी नहीं कि भाई हमने उठाई है। तो इसलिए ना ये बास्केट और ये पेट्स जो है ना आर्टिफिशियल, ये तो हम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, हम लोग ना अपने गेट के बाहर कुत्ता रखने के बारे में सोच सकते हैं कि जो ना आते जाते भौंके भी और दूसरा पास भी ना आने दे। अच्छा, ये ना मुझे बता रही थी कि कहती है कि यार यहाँ पे छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा सब लोग ही वॉक करते हैं, और ना बिल्कुल भी ना ये नहीं समझा जाता कि हाँ जी ये साइकिल चला रहा है, वॉक कर रहा है। आपने देखे साइकिलें भी नज़र आ रही हैं, और ये जो बस है इसका टिकट है, और ये आपको पूरा लंदन घुमाती है। तो दूसरी ठोम के भी ला सकते हो लंदन ब्रिज से जाके। अच्छा जी, अब ना यहाँ पे मैं देख रही थी, मेरे का इतना कोई मतलब ऐसे वो रोला दुआई और जो शोर शराबा होता है ना, मतलब रेड़ियाँ लगी हुई हैं जी, खाबेल चल रहे हैं, स्टॉल लगे हैं, वो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मार्केट है, लेकिन भाई ये इनकी ना सुपर मार्केट टाइप इनका एक बाज़ार है। तो यहाँ पे ये सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके ना अपनी मतलब ग्रॉसरी भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, स्टोर के एंट्रेंस तो चेक करें व्यूअर्स, कितने प्यारे फ्लावर्स बुके वगैरह। अच्छा, इन लोगों को मुझे लग रहा है फ्लावर्स का ना बड़ा शौक है, मतलब घर के बाहर भी पौधे, ग्रॉसरीज के बाहर भी, स्टोर्स वगैरह के। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ना पर्सनली बड़ा अच्छा लगा ये सारा कुछ देख के। और ये यहाँ पे कोई बेबी रैक था, क्योंकि मेरी जो है ना बेबी के लिए शॉपिंग के लिए आई हुई थी वो मेरी सिस्टर। चले व्यूअर्स, इंशाल्लाह ना मैं इससे कहूँगी कि मुझे ना डिटेल वीडियो। अच्छा, मुझे तो इंटरेस्ट है भाई मेकअप में और बैग्स में और शूज़ में। तो चले मैं अब इससे कहूँगी कि मुझे ना वहाँ के बैग्स और इन सारी चीज़ों की वैरायटी ज़रा मुझे शेयर करें, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ की कैसी वैरायटी है। चलें जी, यहाँ पे तो बिलिंग हो रही है, और अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। ये जल्दी जल्दी सा जो छोटा सा व्लॉग था ना, बस ऐसे ही मेरा दिल किया मैं आप लोगों को भी दिखाऊं यूके की लाइफ। जो लोग तरसते हैं ना यूके जाने के लिए, देख लो तो यूके वालों के हाल, टूर टूर के ना बंदा पे आधा रह जाता। चलें जी, मिलती हूँ इंशाल्लाह नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दुआ में याद रखें, और ये जो इंस्टाग्राम का चैनल है इसको लाइक कर दें।